बड़ा ही जबरदस्त काम करेगी दोस्तों, इसको बस थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे दोस्तों। सुबह सुबह डेरे पर पहुंचा हूं, डॉक्टर साहब को लेकर को बकरी को चेक करवाया डॉक्टर साहब को, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाने लगे हैं और सीटी स्प्रे डॉक्टर साहब से लिए, तो बकरी की ट्रीटमेंट करते हैं। ये लो जी, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लग गया बकरी को। ये दफ़ा पहले से बेहतर हो रहा है, लेकिन कीड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक दिन कीड़ा मरता है, अगले दिन फिर से पैदा हो जाता है। अभी अच्छा कितना नज़र मारी कीड़ा तो कोई, तो रात को हमने इसके ऊपर जेल लगाया था, अभी थोड़ी देर में फारिग होकर कामों से फिर इसके ज़ख्म की सफाई करते हैं। आज की छत की मिट्टी पूरी कर रहे हैं दोस्तों, और आज यहाँ पर इंशाल्लाह फर्श लगना है इसका, तो ये काम हम साथ के साथ निपटा रहे हैं। शटिंग वाले भाई साहबान को भी आज हमने कॉल किया कि इसकी शटिंग कनोपी की और इसकी शटरिंग आकर खोल ले। आज तकरीबन 12-14 दिन हो गए, तो इतने दिन काफ़ी हैं इसकी पकाई के लिए। वैसे दोस्तों हम मुर्गियों को भी, इनको भी थोड़ी देर बाहर खोलना ज़रूरी ही है, वरना इनको सोकड़ा हुआ जाता है। जितने दिन इनको आज़ाद रखते हैं मुर्गियाँ ठीक रहती हैं, और भी हमारा जो चूज़ा इसको रेड टर्की भी देखें, ये भी जवान ही हो चुके हैं दोस्तों। भाई साहबान आ चुके हैं दोस्तों, आज शटरिंग खोलने लगे हैं कनोपी की। क्या हाल है जी राव साहब? ठीक हो? शुक्र अल्लाह। पहले कनोपी आज आज पूरी खोल के जा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ना कर यार, किस्ता में खोलेगा तुम्हारा। अली अमीर जो है लांगियाँ लेकर आया दोस्तों, और आज देखें इनके लिए वाफर लांगियाँ, माशाल्लाह लंगर इनसे बढ़ जाएगा। और यहाँ पर इनके लिए सेज सजा दी है, सारा दिन ये खाएंगे। सारी ही बकरियां आ गई हैं हमारी, खाने में मसरूफ हैं। हीर रांझा ये इधर को फिर रहे हैं। पर लेंटर वाली छत पर गिर आज की मिट्टी पूरी हो चुकी है दोस्तों, हम मिट्टी को फट्टी लगाकर सेट कर रहे हैं, उधर से ईंटें ऊपर उठा रहे हैं। यहाँ पर आज इसका फ्रंट का बनेरा भी लग जाएगा, कल इधर का बनेरा लग गया, आज ये फ्रंट का बनेरा लगना है। भाई आए हैं साहिवाल से दोस्तों, हमारे देखने वालों, पुराने देखने वालों को याद होगा उमेर भाई जिनके पास सिम्बा। अस्सलाम वालेकुम, आप तो फिर से वैसे ही हो गए। कैसे जी? सेहतमंद? थोड़ा सा हो गया, बीच में स्मार्ट हो गए थे, अब फिर अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी सुनाए खैरियत से? बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, सही पहुंच गए। घोड़ियों को आज हमने यहाँ पर दोस्तों बन्नों पर बांधा होगा, उमेर भाई आए हैं, उमेर भाई को घोड़ी की सवारी करवानी है, बल्कि दोनों ही घोड़ियों को तैयार करते हैं। और यहाँ पर बन्ने पर माशाल्लाह अच्छा खासा तल्ला है, परी और काजल आज दोनों ही माशाल्लाह रज कर खड़ी हुई हैं। इनको दोनों को कासिम जो है काजल को पानी पिलाने के लिए गया, दोनों ही घोड़ियों को तैयार करते हैं, दोनों ही घोड़ियों पर सवारी करते हैं। उमेर भाई को घोड़ी की सवारी करवा रहे हैं दोस्तों, परी को भी तैयार कर रानी को बांधते हैं, वरना इसने हमारे पीछे पीछे आकर वो पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो निकलगी ना बाला, वो निकल जाएगी। नहीं निकल जाएगी, इधर को लाइएगा उमेर भाई, इस तरह मोड़िएगा। दोस्तों आज लंबी राइड पर चलते हैं, लंबी राइड कर कर आते हैं उमेर भाई काजल पर, मैं परी को लेकर जा रहा हूँ यहाँ से खाला टपा कर। ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं, और ज़मीनों पर वॉक करने का एक अलग ही मज़ा है, यहाँ से इसको लेकर जाना पड़ेगा। चल चल उमेर भाई, ऐसे आराम सुकून से आ जाएगी ये। हम लंगर दाने इकट्ठे करने वास्ते निकले हैं। आपकी वो मुर्गी भी है, वो जो बंदे की तरह चलती है, वो लाल कर ली यार। ओए लाल कर ली? अच्छा कद? अच्छा बताया को नहीं यार तने मर से। ओए चलो अच्छा करे उससे बेचारा, हाँ तंग था काफी। बड़े दिनों के बाद दोस्तों आज हम लंबी राइडिंग पर जा रहे हैं, उमेर भाई ने ख्वाहिश की, उमेर भाई ने कहा था भाई ख्वाहिश है घोड़ी की सवारी, तो हेड गुलाब अली पर हम जा रहे हैं। उमेर भाई का डर निकल चुका है, पहली मरतबा घोड़ी पर बैठे हैं, और देखें इजीली होकर तकरीबन हम 1.5-2 किलोमीटर का फासला जो है ये तय कर चुके हैं। चारों पैरों की खुरियाँ लगी हुई हैं घोड़ियों को, दोनों को ही, तो परेशानी वाली बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे कच्चा रास्ता ही है, ये थोड़ी ही पक्की सड़क है। सुल्तान भी हमारे साथ साथ आ रहा है। अदगी नहर के पास हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, सामने सादगी नहर है, कच्चे मिट्टी के मकानों की अलग ही खूबसूरती, और सुल्तान हमारे साथ दौड़ता हुआ बड़ा ही प्यारा लग रहा है। और सुल्तान की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई है, घोड़ी देखकर छोटे बच्चों की खुशी देखें, ये अब इन्होंने ब्रेक लगाई,
हाँ शादी है आज घोड़ी चढ़ी इतने नाल ही हेड से आज घोड़ी चढ़ीए नहर त्रास कर कर हम आ गए यहाँ करू मेहर भाई को तोरा करवा रहे हूँ मेहर भाई कैसा मजा है ना ये सीन देखे आप व्यू मेरा फेवरेट जगह है ये काजल मजा करवा रही है सुल्तान की भी आज अच्छी एक्सरसाइज हो गई है दोस्तों जीरो लाइन विलेज में हम आए हैं दोस्तों थोड़े रास्ते में आकर हेड से आगे आकर मेरी बस हो गई क्योंकि काठी के बगैर मैं सवारी करने की मेरी प्रैक्टिस नहीं है तो मेरे पाँव दर्द करने लगे पप्पू भाई को मैंने घोड़ी दी उमेर भाई और पप्पू भाई दोनों घोड़ियों पर आ रहे हैं हम यहाँ पर आए हैं चाचा रियाज के पास घोड़ी नचाने वाले जो उस्ताद साहिब है मैं ये सोचा हेड पर आने के बाद कितनी दूर तो आ गए घोड़ी उनके पास लेकर चलते हैं परी को थोड़ा सा नचा कर देखते हैं लेकिन यहाँ पर आए तो चाचा रियाज है नहीं उनको बुलाते हैं और थोड़ा सा शुगल देखते हैं आपको भी दिखाते हैं तो घोड़ियों को लेकर दोस्तों हम आ गए उमेर भाई माहौल देखे आप पहले तो कैसा व्यू है बिल्कुल जीरो लाइन पर हम हैं दोस्तों ये जीरो लाइन का समझ लें आखिरी गांव भी नहीं है बल्कि चंद डेरे ही हैं इससे आगे पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर ही है तो चचा रियाज को कॉल की है वो आ रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि परी का थोड़ा सा डांस देखते हैं के पास हम आए हैं चाय पीने लगे बड़ा ही पीसफुल उमेर भाई कैसा महसूस कर रहे हैं साउंड परिंदों के अलावा कोई साउंड नहीं सुनाई देगा यहाँ पर ना कोई बसों का साउंड ना कोई गाड़ियों का साउंड बिल्कुल एक पीसफुल माहौल है घोड़ी आज की हाल है मैं क्या पता नहीं आज बंदा मिलता है या नहीं मिलता दोस्त आए संसाई वालों कहता लंबी सवारी करा सी हेड ते आए तो मैं हूं थोड़ा जा अगे बंद कर लिए हाँ जी हाँ मैं चलो शौक भी हो जाएगा बल्कि कोई थोड़े दो पैर ही बखा दो लास्ट टाइम दोस्तों घोड़ी को हम मेरे तायाजाद कजन की शादी थी वहां पर लेकर गए वहां पर ढोल बजा तो घोड़ी ने खुद ही नाचना शुरू कर दिया चचा रियाज ने एक बार इसका पल्ला पकड़ा था आज चचा रियाज के पास आए हैं तो इनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं घोड़ी को थोड़ा सा नचाने की प्रैक्टिस देते हैं और जल्द ही इंशाल्लाह दोस्तों हम डेरे का काम मुकम्मल हो जाए हफ्ता 10 दिन में ही इंशाल्लाह मिस्त्रियों से जान छूटे तो फिर इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हमने शुरू करनी है परी की तो इसको नचाना बड़ी खूबसूरत लगती है ये मजे करवाएगी देखो उमेर भाई उसके काम देखे वो साथ के साथ ही ये तो खुद ही नाचने के लिए दोस्त रेडी ही रहती है अदाएं देखें परी की क्या बात है जी शाबाश ये बात शाबाश बस जी हो बेटा माशाल्लाह हाँ हाँ नहीं नहीं पूरे एक दो चार दिन की एक दो महीने लावांगे जी पूरा है हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह शाबाश जी हो बेटा ये खुशी मना रही है ना एनिमल लाओ इस काम पे हाँ जी शाबाश क्या ही बात बस ये जिवें जिवें आप जिन्ने पल्ले फड़ांगे को 5-10 फड़ ले ते आप ही अगे तो अगे नचेगी जी सीधी सीधी हो ऐसे चलो अगे 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 चलो शाबाश बड़ा ही जबरदस्त काम करेगी दोस्तों इसको बस थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है और इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई तो परी बड़े ही मजे करवाने वाली है वाकई ही परी लगेगी दोस्तों काम ही परियां आ लेने दे शाबाश जियो बेटा जियो बेटा उमेर भाई कैसा लग रहा है मजा आ रहा है शाबाश
जी जी हाँ जाने लगे हैं दोस्तों। आज के लिए इसके लिए इतनी ही प्रैक्टिस काफ़ी है। तो चचा रियाज के पास हम आए थे तो सोचा कि थोड़ा सा शुगल देख लेते हैं। शुगल देखकर मज़ा आ गया। चलो ये जी ठीक है ठीक है शाबाश। परी को ऐसे देखकर दोस्तों रूह जो है खुश हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको देख देख कर ही खुशी पहुंचती है, जिंदगी बढ़ जाती है। माशाल्लाह शाबाश। और काजल यहाँ पर खड़े हैं, सुल्तान भी देखे, परी को छुप छुप कर देख रहा परी दोस्त है उसकी। परी का आज के लिए इतना ही शुगर काफी है। परी ने रूह खुश कर दी है जी। बस ठीक है चचा रियाज, बहुत शुक्रिया, मजा करवाता। गोली तो कहती है कि मैं फड़ो है ना जी। तो इसका जल्द ही इंशाल्लाह दोस्तों इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हमने शुरू करनी है और जल्द ही चंद दिनों में ही देखिएगा ये फुल ट्रेन हो जाएगी। उमेर भाई दोस्तों घोड़ी पर आ रहे हैं, मैं बाइक पर आ गया, इधर से मैंने घोड़ी को संभालना है। दोनों ही घोड़ियाँ देखे क्या ही, पप्पू की बस खराब थी, अब देखे मैं करन लग जाती है। उमेर भाई आप रोको आप रोको। बड़े दिनों के बाद दोस्तों इतनी लंबी राइड की है, सुल्तान की भी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई है, पक्की सड़क आ गई है। यहाँ पर हम कदम कदम जा रहे हैं घोड़ी पर बैठ कर। त्री साहिबान की राज के छत का प्लस फर्श लगा रहे हैं, टाइलों का ये भी चेक करते हैं, बनेरे भी इसके लग चुके हैं, इनको चेकिंग करते हैं जी। चलो 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 जी, माशाल्लाह देखें इन्हें दाल इधर नहीं रखी है ना जी, आए थे आने पर मेरे। सही ठीक है उमेर भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बड़े अरसे के बाद मिलकर। अच्छा वैसे देखने वाले आप लोग कमेंट्स पढ़ लीजिएगा, कहेंगे कि उमेर भाई से पूछिए कि उन्होंने सेहत दोबारा क्यों बना ली बन गई है ना, हाँ डाइट प्लान सफर नहीं हुआ। तो उमेर भाई वापस जा रहे हैं दोस्तों, हम बॉर्डर की सैर कर कर आए, बड़ा ही मज़ा आया। तो व्लॉग का भी यहीं पर एंड करते हैं, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।